ANI, एशिया न्यूज नेटवर्क, और आप पढ़ लें गूगल में जाके जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, ANI इज एन इंडियन दिल्ली बेस्ड न्यूज एजेंसी. व्हेन वाज इट फॉर्म्ड, कब क्याम में आई वो? December 9th, 1971, एट द पीक ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस. उसका पर्पस, उसका शजरा नसब देख लें आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो था द इनिशियल ऑपरेशंस. दैट्स हाउ ANI प्लस द यूज सम ऑफ द श्रीवास्तव ग्रुप और ये वो बिजनेस ग्रुप एज अ कवर. सो यू सी दैट इज कंटिन्यूइंग. और हमारे यहां इस मामले में मेरी एक ये क्रिटिसिज्म होगी कि इवन केसेस विच वी गेट वी मिसहैंडल देम. कुलभूषण यादव का केस जो आया था, आई एम नॉट रेफरिंग टू एनी वन गवर्नमेंट, कंसिस्टेंटली इट हैपेंड इन द पास्ट, बट इट शुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर. स्पाइज आर नेवर ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, दे आर यूज्ड एज अ पॉन टू बी एक्सचेंज्ड एंड स्वॉप्ड. आपने जासूस पकड़ लिया इंडिया का, आप उसको रख लेते हैं संभाल के, उससे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, डीब्रीफिंग कर लेते हैं. फिर क्या होता है, जो आपका कोई बंदा पकड़ा गया हो, अल्लाह के फजल से हमारे भी बड़े इंशाल्लाह करते हैं काम, ये दोनों तरफ होता है, दिस स्पाई वर्सेस स्पाई, देन वी एक्सचेंज. फ्रांसिस गैरी पावर्स था, U2 का प्लेन जो पेशावर से उड़ा था, विच वॉज शॉट डाउन बाय रशिया सोवियत यूनियन, उसको एक्सचेंज किया गया वो जर्मनी में. तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ मिलिट्री कोर्ट ट्रायल वो आपने किया. अब उसको एक गलती को रेक्टिफाई करने के लिए, और डॉक्टर साहब इसमें मैं, आप नहीं थे उसमें इन्वॉल्व क्योंकि आपसे पहले कहा, सो यू हैव नथिंग टू डू विद दैट. सो आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, आई एम जस्ट सेइंग एज अ जेनरिक केस कि इट कुड हैव बीन बेटर हैंडल. यस आई मीन जो गलत बात है वो गलत बात है, एब्सोल्युटली नहीं, बिकॉज वी हैव टू स्पीक ऑन फैक्ट्स, वी आर नॉट स्पीक ऑन ओपिनियंस. उस हवाले से वी शुड हैव इंस्टेड ऑफ ट्राइंग हिम, अब उसको ट्राई करने के बाद वी आर हैविंग अ लॉ जो पार्लियामेंट का रोल अब अदा करें. कल सेनेट लॉ कमेटी जिसके चेयरमैन हैं अली जफर साहब, उन्होंने और बाकियों ने कहा कि ये लॉ हम नहीं पास कर सकते बिकॉज इट्स पर्सन स्पेसिफिक लॉ. सो यू सी टू रेक्टिफाई वन रॉन्ग वी आर ट्राइंग टू डू अनदर रॉन्ग. सो आई थिंक दैट इज एन एग्जाम्पल. चेयरमैन माओ यूज टू से दे आर सम टीचर्स ऑल्सो वी लर्न फ्रॉम देम, दे आर टीचर्स बाय नेगेटिव एग्जाम्पल हाउ नॉट टू डू थिंग्स. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स. अब वॉट इज द वे फॉरवर्ड वेन वी टॉक ऑफ, and I think the role of parliament is extremely important. I mentioned today's meeting with Dr. Mohid Yusuf Saab, where we said lawfare should be part of that. I took a delegation, Dr. Farooq Naseem Saab, to the European Parliament and the NATO Parliamentary Assembly in Brussels. This is a few years ago. And I met the Secretary General of the NATO that time. General, was Secretary General tha, Jaap de Hoop Scheffer. He was a Dutch guy. मैंने उसको कहा कि जी आपने जो नेटो फोर्सेस हैं जो कम इन अफगानिस्तान, यू हैव कमिटेड मैनी क्राइम्स ऑल्सो, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स बॉम्बिंग की है, उसमें अफगान भी मरे हैं पाकिस्तानी भी मरे हैं, एंड वी वुड लाइक टू नो वेदर देयर इज अ मैकेनिज्म, बिकॉज अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर कॉम्पनसेशन इफ देयर आर एक्सीडेंटल और सिविलियन डेथ्स. कहते यस वी हैव अ मैकेनिज्म फॉर दैट, वी हैव फंड ऑल्सो फॉर दैट, बट यू हैव नेवर आस्क्ड अस फॉर एनी कॉम्पनसेशन. ये मैं फ्यू इयर्स अगो की बात कर रहा हूँ, दिस इज अबाउट 10 years ago. सो क्वेश्चन ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में है, इफ यू आस्क फॉर कॉम्पनसेशन दैट इज इंपॉर्टेंट. जब सराला का वाकया हुआ था November 2011 में, अमेरिकन ने हमारे 25 जवान शहीद किए चेक पोस्ट पे. I was in the Parliamentary Committee on National Security, and we stopped the G-locks, the ground lines of communication. We stopped the A-locks, the air lines of communication. This is 2011-2012. उसमें debate हुई कि क्या करें, उनसे पैसे मांगे उनके जो lines of communication. मैंने कहा नहीं, it's a moral issue also. Legal भी है, moral भी है. Ask for an apology. माफी मांगे मैंने. उन्होंने कहा जी Americans मास्टर भी आएगा, नहीं वो माफी नहीं मांग सकते. क्यों नहीं मांग सकते? वी नेवर डू इट, इट्स नॉट इन आवर ट्रेडिशन. हमने एटम बम की माफी नहीं मांगी अभी तक, जापान में जो मारे थे बंदे, कैसे माफी मांग. मैंने कहा ठीक है फिर, देन जी लॉक्स विल रिमेन क्लोज्ड, ए लॉक्स विल रिमेन क्लोज्ड. फिर वो गेम आ गई कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट. 7 महीने के बाद वो आए, वी आर वेरी सॉरी, वी अपोलोजाइज. सो वी गॉट इट डन.
क्वेश्चन ये है कि व्हेन वी हैव टू लर्न टू बार्गेन वी हैव अ वेरी गुड केस ऑन लॉट ऑफ इश्यूज बट प्रेजेंट कंपनी एक्सक्लूडेड वी हैव बैड लॉयर्स टू प्रेजेंट देम यू केम लेट ऑन द सीन बट आई विल गेट योर सीवी फॉर द फ्यूचर रेफरेंस वी नीड इट सो अब ये देखें कि वे फॉरवर्ड क्या है वे फॉरवर्ड में जी फर्स्ट ऑफ ऑल लॉफेयर इज अ न्यू वर्जन टेरिटरी जनरल साहब आए हैं और न्यू इदारा बन रहा है बट वी नीड इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी सिर्फ एक इदारा या एक हुकूमत अकेले नहीं कर सकती ये इट हैज़ टू इंक्लूड द लॉ मिनिस्ट्री द फॉरेन मिनिस्ट्री द पार्लियामेंट द आर्मी एंड इंटेलिजेंस ऑल्सो टू टेक इट इन टू सम काइंड ऑफ मल्टी डायमेंशनल टास्क फोर्स एक हब होना चाहिए चौहान साहब यू वुड नो दैट यू हैव क्लैरिटी आई नो एक हब होना चाहिए एक फोकल पॉइंट होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल टू टेक इट फॉरवर्ड हमारा होता है कि इट्स अ रिएक्टिव मोमेंट टू मोमेंट एडहॉक अप्रोच वो क्राइसिस आया फायर फाइटिंग की फिर ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्राइसिस देयर विल बी लॉट ऑफ क्राइसिस बिकॉज वी आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म वेयर वी आर लोकेटेड वी आर अ की कंट्री वी मैटर सो अ लॉट ऑफ इश्यूज सो वी नीड टू हैव एन इंस्टीट्यूशनल फोकल पॉइंट which includes the collective wisdom of the khaki and the mufti, of the government and the opposition all together and take it forward. And you know, collective wisdom is much better. So number one, ye hona chahiye. Dusra, main aapko example deta hun, how to take it forward. There's a small country in Africa, Gambia. Musliman mulk hai. Uski abadi kitni hogi? 5-6 lakh. They went to the International Court of Justice on Rohingya. Rohingya ke upar. Because we are not a signatory to the ICJ. Humne nahi, International Criminal Court. India bhi nahi hai. Hum nahi ja. Gambia went and Aung San Suu Kyi, to her eternal shame, she defended the killings of the Rohingyas in the Hague. Aap dekhen. Aur unhone musibat dal di. Main kehta hun, with the permission of the chair, moderator, I would like to give the highest paid person in Hollywood is the idea man or idea woman. They gave a free idea and it's a big success. I'm giving you ideas now, free of charge. Note karle, doctor. RSS is a fascist organization, is a racist organization, is a neo-Nazi organization. Neo-Nazi. I'm not saying as a slogan. They wear khaki knickers, white shirt, and they have this वो स्लूट हाय हिटलर था इनका ये स्लूट है विच इज अ फैशिस्ट स्लूट मसलिनी हिटलर वाला इन्होंने एथनिक क्लेंजिंग की है जेनोसाइड किया है आई रिमेंबर व्हेन मोदी वेंट टू ह्यूस्टन हाउडी मोदी जो प्रोग्राम था जुलाई 2019 का द कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट वेंट टू द कोर्ट एंड द कोर्ट्स देयर हैव यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन यू कैन डू दैट European Court of Human Rights in Strasbourg, British courts, American courts, and they accepted the petition. Un bichare ke paas lawyer nahi tha aage le jane ke liye. So there are issues. 30 June ko report pesh hui hai UN Secretary General Antonio Guterres ki taraf se. UN report on this children. Where he has personally said India has been using pellet guns against children. And 39 Kashmiri children are listed. 33 boys and 6 girls. Zulm hua hai. Now usme shaheed bhi hue hain. So these are areas where we can take it forward. When Antonio Guterres came to Pakistan in March 2020, meri unse do mulaqatein hui thi. And we had a good chat. Balki usne kaha ki meri biwi to uska Arab blood hai. Because Portugal mein muslimanon ne hukumat bhi ki hai. To bada achcha khul udli gapshap ho gayi. He said, actually, we had a long chat, very frank chat. With the foreign office, with the foreign minister was also there. And he said, the international community has a bias against Pakistan. Usne ka, UN Secretary General, the world's most important civil servant, the international community has a bias against Pakistan. And he said, aap itna kaam kar rahe hain UN peacekeeping ka. Aapki otherwise badi contribution hai. Aapne Africa mein kiya, Haiti mein kiya, Cambodia mein kiya. Wo khud list kar raha tha. Maine usko add kiya. Main kaha, we helped Sri Lanka crushed terrorism in LTTE, Liberation Tigers of Tamil Nadu. Then I said, I have been in Bosnia, mein,
We had no interest there, Pakistan. We saved humanity from ethnic cleansing, and we accepted 3,000 of their refugees in Hazara in 1992, by the way. People forget that. And we also said, I also told them, Mega, you have forgotten the demolition of the Berlin Wall, in part, it's owed to us. Soviet Union ka jo collapse hua tha. So, you know, but these things are important. So, is vakat, it's time for teamwork, it's time for homework. This is a very good initiative. Faisal, well done. You always come with new initiatives. And Rahman sir, you better all wear your joggers. Be on the fast pace. Lawfare is the way forward. And we have to take issues and fight battles that we can win based on logic, wisdom and facts. Hum haath na malte rahe, darte rahenge, ye saazish ho rahi hai. Saazishen hoti rahengi. Aapne mukabla karna hai. Learn from the great leader, the Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. How he built Pakistan without any army, without any atom bomb, without any big money, without any establishment. British to khilaaf the, wo to mile with Congress ke saath. But through character, through competence, through commitment, and through bringing everybody together in an inclusive approach. So I feel that it's doable, and there should be a task force established which can take it forward, and we can, I think, win battles on lawfare rather than always being on the defensive and always complaining that the world is against us. So I think let's get cracking, and as the Nike slogan goes, just do it. Thank you very much. Thank you so much, Mujahid Hasan Seher Sahab. It's always lovely to hear your thoughts. I must say, it's just like reading a history book. There are a lot of historical references. And he speaks like a historian. He builds his case like a lawyer. So thank you so much for the talk. Our next keynote for the concluding session is going to be by our chief guest. When Farooq Naseem Sahib called and he asked what the topic is,